Let's continue rotation. I had finished rotational kinematics हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक कर लिया है. And in rotational kinematics we had already studied about the motion of any particle executing rotation. जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसमें किसी भी पार्टिकल के मोशन को हमने डिटेल में समझा था, एनालाइज करा था. उस पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और रेडियस वेक्टर, इससे रिलेटेड एक एक्सप्रेशन लिखा था. वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर, इससे रिलेटेड एक एक्सप्रेशन लिखा था. एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, इसे हमने रिलेट करा था. और हाउ एनी पार्टिकल इज रेडियली एक्सीलरेटेड एंड हाउ एनी पार्टिकल इज टेंजेंशियली एक्सीलरेटेड एंड हाउ द टू एक्सीलरेशन में बी वेक्टोरिकली एडेड टू गेट द नेट एक्सीलरेशन, यह बात हमने रोटेशनल काइनेमेटिक्स में समझी थी. इसके साथ में हमने कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए तीन इक्वेशन लिखी थी. एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा. इस तरह से हमने तीन इक्वेशन कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन के लिए लिखी थी और वेरिएबल एक्सीलरेशन के लिए हमने कुछ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करे थे. डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू ओमेगा एंड डी ओमेगा बाय डी टी इक्वल टू अल्फा. रोटेशनल काइनेमेटिक्स समझाने के बाद लेट मी प्रोसीड विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. रोटेशनल काइनेमेटिक्स समझते समय हमने कभी भी कॉज ऑफ रोटेशन नहीं सोचा कि आखिर क्या चीज है जो बॉडी को रोटेट करती है. हमने सिर्फ एक रोटेटिंग बॉडी को एनालाइज करा. द नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेटली द कॉज ऑफ रोटेशन, कि कोई सी भी बॉडी आखिर रोटेट क्यों होती है. यदि फैन को स्विच ऑन करा जाए तभी वह रोटेट होता है, यदि फैन को स्विच ऑफ कर दिया जाए तो एक रोटेट करता हुआ फैन धीरे धीरे धीमा होता है और अल्टीमेटली वह रुक जाता है. आखिर ऐसा क्यों होता है, यही सब बात हम समझेंगे रोटेशनल डायनामिक्स में. मगर रोटेशनल डायनामिक्स तक जाने से पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दिस कंसेप्ट वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हाइल स्टडिंग रोटेशनल डायनामिक्स. किसी भी बॉडी का कॉज ऑफ रोटेशन समझने के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना जरूरी है. वी जनरली डिनोटेड बाय आई. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कंसेप्चुलाइज्ड फॉर एनी मास सिस्टम विच इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस. कोई सा भी मास सिस्टम जो अपनी एक्सिस के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, उस मास सिस्टम के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्चुलाइज करते हैं, उसे डिफाइन करते हैं और उसे डिटरमाइन करते हैं. इक्वेशंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्ट अप्लाई करा जाता है. फॉर एग्जांपल, आपके सर के ऊपर जो फैन रोटेट कर रहा है, दैट इज अ रोटेटिंग फैन, इट्स रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस. इस फैन के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उसको डिटरमाइन करेंगे. और उस फैन को के रोटेशन को समझने के लिए वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा. फॉर एग्जांपल, कोई सा भी खिड़की या कोई सा भी दरवाजा, एनी विंडो और एनी डोर, इट ऑलवेज रोटेट अबाउट एन एक्सिस. द मोशन ऑफ अ डोर इज अ रोटेशनल मोशन, वह एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है. जो खिड़की जो एक कब्जे से बंधी हुई है, उस कब्जे से पास होती हुई एक एक्सेस इमेजिन कीजिए, उस एक्सेस के अबाउट पूरी खिड़की रोटेट करती है जब आप उसको खोलते हो या बंद करते हो. इट्स अ रोटेटिंग बॉडी. दरवाजे को खोलते या बंद करते समय वह रोटेट करता है. इस तरह की रोटेटिंग बॉडी के लिए
we used to conceptualize moment of inertia. Now, how do we define it? For example, this is any axis and this is a discrete mass system. And this discrete mass system is rotating about this axis. यह discrete mass system इस axis के about rotate कर रहा है. इस mass system के लिए हम moment of inertia define कर सकते हैं, and we used to define it in this manner. If this is any ith particle having mass of mi at a distance of ri, यह कोई ith particle है जिसका mass mi है और जिसका distance ri है. इस mass की वजह से इस axis के about the moment of inertia is mi ri square. इस ith particle की वजह से moment of inertia would be mi ri square. इस तरह से एक एक पार्टिकल की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. हर एक ith पार्टिकल की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्केलरली ऐड करा जा सकता है. द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मास सिस्टम वुड बी समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर. दिस वुड बी द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनी डिस्क्रीट मास सिस्टम. हम कहेंगे हर एक ith पार्टिकल के लिए, किसी भी पार्टिकल के लिए उसका मास देखा जाए, उसका एक्सिस से दूरी देखी जाए, मास देखी जाए और उसकी एक्सिस से दूरी देखी जाए और समेशन एम आई आर आई स्क्वायर कर दिया जाए. दिस वुड बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ith पार्टिकल. किसी भी ith पार्टिकल के लिए यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. यदि हम कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए देखें, दिस इज अ कंटिन्यूअस मास सिस्टम एंड दिस कंटिन्यूअस मास सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस. यह कंटिन्यूअस मास सिस्टम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा. हम इस मास सिस्टम के लिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर सकते हैं. नाउ इन ऑर्डर टू डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी कंटिन्यूअस मास सिस्टम, हम सबसे पहले एक डिफरेंशियल मास लेते हैं, एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं. नाउ दैट डिफरेंशियल एलिमेंट शुड बी पैरेलल टू द एक्सिस अबाउट विच मास सिस्टम इज बीइंग रोटेटेड. इस एक्सिस के अबाउट पूरे मास सिस्टम को रोटेट करा जा रहा है. हम इस तरह से एक डिफरेंशियल मास ले ले, इस तरह से एक एलिमेंट ले ले. यह पूरा का पूरा एलिमेंट हमारी एक्सिस के अबाउट पैरेलल है, हमारी एक्सिस से पैरेलल है और इसका कुछ डीएम मास है. हम कहते हैं इस डिफरेंशियल मास का रोटेटिंग एक्सिस के अबाउट डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. इस डिफरेंशियल मास का, दिस डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिफरेंशियल मास अबाउट द रोटेटिंग एक्सिस एंड इट्स इक्वल टू डी एम इन टू आर स्क्वायर. एम आई इधर लिखा था, इधर हमने डीएम लिखा. आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा है. दिस इज डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिफरेंशियल मास सिस्टम अबाउट द एक्सिस. हम कहते हैं पूरे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए इस तरह के डिफरेंशियल मासेस लिए जाए, उन सबका डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करा जाए और उन्हें एड अप कर दिया जाए. द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट मास सिस्टम वुड बी इंटीग्रल ऑफ डीएम इन टू आर स्क्वायर.
of integral of r square dm. This is the definition of moment of inertia of a continuous mass system about the axis, about the reference axis, about the axis जिसके अबाउट उसको रोटेट करा जा रहा है. नाउ हम इन दोनों एक्सप्रेशन को अप्लाई करके अलग अलग तरह के मास सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करेंगे अबाउट सम रोटेटिंग एक्सिस. वह मास सिस्टम जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा उस एक्सिस के अबाउट हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करेंगे. इसके पहले मैं एक कंसेप्ट ऑफ बताता हूं, द कंसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. द कंसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन वी डिनोटेड बाय आर जी वाई. वी कंसेप्चुलाइज इट इन दिस मैनर. If the complete mass system were concentrated and reduced to a point mass, इस पूरे mass system को concentrate कर दिया जाए और इस पूरे mass system के लिए point mass बना दिया जाए, तो उस point mass को हम axis से जिस दूरी पर रखेंगे सो दैट उस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट उतना ही होना चाहिए जितना पूरे मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा है. हमने इन सारे मासेस को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करा, तो जो पॉइंट मास होगा उसका मास होगा समेशन ऑफ एम आई. यदि हमने पूरे मास सिस्टम को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करा तो उस पॉइंट मास का जो मास होगा दैट इज समेशन ऑफ एम आई. सभी मासेस को ऐड कर दिया, उसे इस एक्सिस से किसी आर की दूरी पर रख दिया, उसे इस एक्सिस से किसी आर की दूरी पर रख दिया. यदि हम उसे इस एक्सिस से किसी आर की दूरी पर रखते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा एम आर स्क्वायर. यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. यदि यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे मास सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाता है, यदि यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे मास सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाता है, इन दैट केस दिस डिस्टेंस वुड बी कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन. आई वुड से समेशन ऑफ एम आई, एम की जगह समेशन ऑफ एम आई इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर is equal to summation of mi ri square, or radius of gyration square is summation of mi ri square upon summation of mi. This would be radius of gyration of this mass system. मैं दोबारा समझाता हूं. दोबारा समझाने के लिए मैं कंटीन्यूअस मास सिस्टम से इसी बात को दोबारा समझाता हूं. हमने पूरे मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन कर लिया है और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने इस तरह से डिटरमाइन करा है कि पहले एक डिफरेंशियल मास लिया, उस डिफरेंशियल मास को एक्सिस से पैरेलल डीएम मास का और कुछ आर की दूरी पर लिया. डीएम मास का आर की दूरी पर यह डिफरेंशियल मास, इसकी वजह से डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज डीएम इनटू आर स्क्वायर.
मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम स्केलरली ऐड करते हैं. स्केलरली ऐड करना मतलब इंटीग्रेट करना. पूरे मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए हमने डीआई को इंटीग्रेट कर दिया. इंटीग्रल ऑफ डीआई इज इक्वल टू आई. हमने इधर भी इंटीग्रेट करा और इधर भी इंटीग्रेट करा. इंटीग्रल ऑफ डीआई की जगह आई लिख दिया एंड दिस बिकम्स इंटीग्रल ऑफ डीएम इनटू आर स्क्वायर. इस तरह से पूरे मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आ चुका है. अब हम कहेंगे इस पूरे मास सिस्टम को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दो. इस पूरे मास सिस्टम को कॉन्सेंट्रेट करो, कन्वर्ज करो और इसको एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दो. उस पॉइंट मास का मास होगा m एंड दिस m वुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dm. हम इस तरह के सारे सारे dm मास को dm ऐड करते जाएं तो यह जो टोटल मास होगा दिस वुड बी इंटीग्रल ऑफ डीएम. दिस वुड बी द मास ऑफ द सिस्टम और इसे इसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट किसी आर की दूरी पर रखो. इसे इसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट किसी आर की दूरी पर रखो और इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर होगा. इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रल ऑफ डीएम द टोटल मास ऑफ दैट पॉइंट मास इंटू आर स्क्वायर. यह जो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यदि यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पूरे मास सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाए, मतलब इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डीएम के बराबर हो जाए, इन दैट केस यह दूरी रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाती है. रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर इज इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ We reduce the complete mass system into a point mass, place it at any point which is at a distance of r. We determined the moment of inertia due to that point mass, and if the moment of inertia of the point mass is equal to moment of inertia of the complete mass system, पूरे mass system के moment of inertia के यदि बराबर है, in that case this distance would be termed as radius of gyration. Radius of gyration इधर हमने r की वैल्यू लिख दिया. Radius of gyration square is equal to integral of r square dm upon integral of dm. In this manner we can conceptualize radius of gyration of any continuous mass system. अब इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हुए अलग अलग तरह के मास सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिटरमाइन करेंगे और रेडियस ऑफ गायरेशन भी डिटरमाइन करेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अ टू पार्टिकल सिस्टम, यह मास m1 और यह मास m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d. वी हैव गॉट टू पार्टिकल सिस्टम. एक पार्टिकल है मास m1, एक पार्टिकल है मास m2. द टू पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d. नाउ we have got a line joining the two particles. This is the center of the two particles, while in another situation this is mass m1, this is mass m2, once again separated by distance d.
we will have a center of mass of the two particles located somewhere here. This is the line joining the two particles. This is the line joining the two particles. इस लाइन पर इस जगह पर सेंटर है. इफ द टू पार्टिकल वे आर रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड इफ द टू पार्टिकल वे आर रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. हम ये जो टू पार्टिकल सिस्टम है इसको सेंटर के अबाउट भी रोटेट कर सकते हैं और इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी रोटेट कर सकते हैं. इन द टू सिचुएशन कैन यू डिटरमाइन एंड टेल मी व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द टू केसेस एंड व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ गायरेशन इन द टू सिचुएशन. इन दोनों अलग अलग सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बताइए और साथ में बताइए कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा. डेफिनेटली इट्स अ डिस्क्रीट मास सिस्टम, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर यह एक्सप्रेशन लगाना होगा. इस एक्सप्रेशन के द्वारा इन दोनों केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जरा फटाफट सोच समझ कर कैलकुलेट करके बताइए मुझे और रेडियस ऑफ गायरेशन इन दोनों ही केस में. पहला केस तो बिल्कुल ही आसान है, वर्बली बोला जा सकता है और दूसरे केस में थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी, इक्वेशंस लिखने की आवश्यकता पड़ेगी और तब आप बता पाएंगे. इन दिस केस दिस डिस्टेंस इज डी बाय टू एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो डी बाय टू. द डिस्टेंस ऑफ टू पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन moment of inertia is m1 into d by 2 square plus m2 into d by 2 square or moment of inertia is m1 plus m2 into d square by 4. This is the moment of inertia of the two particle about the axis. Then, in order to determine radius of gyration, in dono masses ko ek point mass jab bana denge, to us point mass ka mass hoega m1 plus m2. This is mass of that point mass. Usko axis se r ki duri par rakha. तो उस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1 plus m2 into r square और यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि इस मास सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हुआ तो यह कहलाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन. और इधर से रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाता है d by 2. दिस वुड बी द radius of gyration of the mass system. जबकि इस केस में हमको previous जो हमने center of mass का एक knowledge already gain कर रखा है उस center of mass के knowledge को उधर लगाना ही पड़ेगा. Once again two particle system का सेंटर ऑफ मास और इसकी लोकेशन डी वन इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पार्टिकल वन, डी टू इज द डिस्टेंस ऑफ
center of mass of particle to. हम ऑलरेडी जानते हैं d1 इज m2 d बाय m1 प्लस m2 एंड d2 इज m1 d बाय m1 प्लस m2. d1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2 and d2 is directly proportional to m1. यह center of mass की location के लिए यह जो expression है यह memorized होने की आवश्यकता है. two particle system mass m1 mass m2 separated by distance d, और उस केस में यह center of mass की location होती है. you are supposed to memorize such expression and whenever needed they should be applied directly. इन फिर वापस यदि आपको सोचने की आवश्यकता पड़ रही है, डिराइव करने की आवश्यकता पड़ रही है, आई वुड से कि तैयारी कमजोर है, काफी कमजोर है. ये सारी चीजें एक बार पढ़ ली जाए तो हमेशा के लिए रटी होनी चाहिए. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज एम वन डी वन स्क्वायर प्लस एम टू डी टू स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम वन डी वन की जगह मैं यह लिखूंगा एम टू डी बाय एम वन प्लस एम टू होल स्क्वायर और एम टू डी टू की जगह लिखूंगा मैं एम वन डी बाय एम वन प्लस एम टू होल स्क्वायर. इधर m1 m2 स्क्वायर होएगा, इधर m2 m1 स्क्वायर होएगा, m1 m2 कॉमन निकाला जा सकता है और एक m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा. जरा देखिए इट वुड कम आउट टू बी m1 m2 d स्क्वायर बाय m1 प्लस m2. अब इधर मैं एक कंसेप्ट और बता देता हूं जो कि टू पार्टिकल सिस्टम मास m1 m2 के लिए हम लिखते हैं. द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास. यदि m1 m2 टू पार्टिकल सिस्टम है तो हम रिड्यूस्ड मास कंसेप्चुलाइज करते हैं. रिड्यूस्ड मास इट्स जनरली डिनोटेड बाय म्यू एंड इट्स m1 m2 बाय m1 प्लस m2. This is reduced mass of two particle system. Two particle system mass m1 m2 के लिए यह reduced mass कहा जाता है. Hence I may rewrite moment of inertia is equal to mu into d square. Mu is reduced mass. This is moment of inertia of two particle system when rotated about center of mass and radius of gyration may be conceptualized. In dono masses ko point mass mein convert kar diya jaye to m1 plus m2 point mass hoega. R ki duri par rakha jaye to point mass ka moment of inertia hoega m1 plus m2 into r square. और यदि यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू डी स्क्वायर के बराबर हो गया, मतलब पूरे मास सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो गया, तो यह रेडियस ऑफ गायरेशन. हेंस रेडियस ऑफ गायरेशन मे बी रिटन एस अंडर रूट ऑफ m1 m2 बाय m1 into m2 into d. This is the radius of gyration of the two particle system being rotated about this axis.
सबसे पहली बात सेंटर ऑफ मास की दूरी दोनों पार्टिकल से d1 और d2, इसे एक और बार रिवाइज करो. उद्वेश यह चीज यदि आपको रटी होती तो बेस्ट होता. डिराइव करनी पड़ रही है तो कुछ ना कुछ कमजोरी है, पता है. यह d1 d2 देखने के बाद मास m1 की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 d1 स्क्वायर, मास m2 की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 d2 स्क्वायर. d1 की वैल्यू इधर से सब्स्टिट्यूट कर दी, d2 की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दी. सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, यह इक्वेशन दिखने लगेगी. फिर रिड्यूस्ड मास के कंसेप्ट को देखिए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक्सप्रेशन. दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम बीइंग रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस. अभी इधर एक बात और ध्यान से देखिए, एक ही मास सिस्टम को यदि अलग अलग एक्सिस के अबाउट रोटेट करा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है. मास सिस्टम वही था, m1 m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, मास सिस्टम वही था, मगर उसको जब सेंटर के अबाउट रोटेट करा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आया, और जब उसी मास को हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आया. मतलब एक ही मास सिस्टम को अलग अलग एक्सिस के अबाउट रोटेट करने पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो सकता है, होता है. अब